अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग एंड न्यू एपिसोड। हाँ तो भाई, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, आज का एपिसोड भी करते हैं स्टार्ट। मैं आ गया हूँ मंडी आज की अपडेट के लिए। आज भाई मेरे आप बैक पे देख सकते हैं, इधर काफ़ी सारे ट्रॉलर उतरे हैं, दो ट्रॉलर अभी अनलोड होकर जा रहे हैं और इधर काफ़ी सारा माल आ गया। अब चलते हैं, माल कवर करते हैं, आज का माल दिखा जाएगा, आज की जो न्यू कलेक्शन जो नया माल आया। तो भाई ये दो ट्रॉले अभी अनलोड हुए हैं और अभी चलते हैं इनका माल देखते हैं। ये इनका माल है सारा, ये और ट्रॉले तो भाई माशाल्लाह खैर बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। और ये जो ट्रॉलर उतरे हैं ये उनका माल है, ये भाई फुल अभी तक के तो सारा बड़ा ही माल आ रहा है, दरमियाना माल भी अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़े बहुत बछड़े। ये इस ट्रॉलर के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है भाई, ये छोटा माल है। और भाई ये माशाल्लाह से बड़े जानवर सारे, ये अभी मेरे ख्याल इसी ट्रॉलर से अनलोड हुए, और इनको देखता हूँ। और भाई छोटा माल भी आ गया मंडी में माशाल्लाह। भाई ये सारा माल आज अनलोड हुआ है और ये भी माल अपने शिफ्ट कर रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं टेंट के अंदर। ये माशाल्लाह, ये तो बड़े जानवर भी है, दरमियाने जानवर भी है। और अभी चलते हैं इधर का माल देखते हैं, अभी इधर व्यापारी ज़रा थोड़े से फ्री हो जाएं, फिर इनसे मालूम मांगे कहाँ से आए, उनसे रेट्स वगैरह भी लेते हैं थोड़े। ये छोटा माल आया आज माशाल्लाह मंडी में, चलो भाई छोटा माल भी आ गया और अब देखते हैं इनके रेट्स क्या होते हैं मंडी में। भाई छोटा माल भी आ गया माशाल्लाह, ये छोटे छोटे जानवर वन डेढ़ मन वाले, ये है जानवर। ये स्ट्रॉलर के अंदर भी छोटा जानवर, छोटा माल है ये, इसमें एक बड़ा दाना है, बाकी ये सारे इसमें छोटे छोटे। और ये स्टॉल के अंदर बड़ा माल आया भाई माशाल्लाह से, और मुंडे सारे ऊपर चढ़ गए। ये हाँ तो भाई ये है आज की अनलोडिंग सारी, भाई माशाल्लाह आज भी सारा बड़ा माल आया, छोटा माल भी आ गया मंडी के अंदर। ये फुल जानवर अग्रेसिव हुए, मैं डरने वाले मार रहे हैं भाई। ये बचिया, ये सारे हुए मैं जानवर मारने वाले। माल तो खैर अभी मंडी में भरपूर आ रहा है, रोज़ आने के 4-5 डॉलर तकरीबन आ रहे हैं। यहाँ पर हमें एक व्यापारी भाई मिले हैं, सबसे पहले इनसे पता करते हैं कि इनके कौन से जानवर है और क्या रेट से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम रज़ाक। अंकल आप कहाँ से हैं? हम आए हैं बाबा जी शेखपुरे से। शेखपुर अंकल कहाँ आए आपका जानवर? आप भी आ जाए 5 बजे सुबह। आज सुबह 5 बजे आए तो अपने जानवर बताएंगे कौन कौन से लेकर आए जी। हाँ तो दिखाएं सबसे पहले, ये हमारे जानवर हैं, ये वाले आपके जानवर हैं, हमारे जानवर ये, और ये भी हमारे जानवर, ये भी जानवर है, ये भी हमारे जानवर, ये भी। टोटल कितने दाने लेकर आए? टोटल हम लेके आए भाई जी 70 जानवर। 70 जानवर लेकर आए, तो थोड़े से चले जानवरों के बारे में बता दें थोड़ा सा। सबसे पहले ये जानवर जो नजर आ रहा है इसके बारे में बताइए कौन सी नस्ल है? ये नस्ल है क्रॉस। क्रॉस कौन सी क्रॉस? ऑस्ट्रेलियन क्रॉस? हाँ जी ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन। और दांतों में कितनी है ये? दांतों में दो। अच्छा, जो आप जो सपना सारा माल लेकर आए, दो लेकर आए, चार लेकर आए? बेचे चार भी हैं, दो भी हैं, दो चार मिक्स लेकर आए। हाँ अच्छा, तो इसकी कीमत वगैरह बता सकते हैं थोड़ी? इसकी कीमत मांग रहे हैं 16 लाख। 16 लाख। और ये वाला? इसकी मांग रहे हैं 15 लाख। इसका वजन कितना है इस वाले जानवर? इसका वजन होएगा भाई जान कम से कम 12-13 मन वजन होएगा। और इस वाले का? इस वाले का भी होएगा 12-13 मन वजन। नस्ल कौन सी है ये? नस्ल ये साहिवाल। साहिवाल। अंकल इस मरतबा इतने रेट क्यों है जानवरों के, इतने महंगे? महंगाई जी बहुत हो गई है बेटा। तो ये जो आप जो डिमांड कर रहे हैं इसमें कितनी गुंजाइश हो जाएगी? कोई 1-2 लाख छोड़ देंगे, 1-2 लाख छोड़ देंगे। और इसके जो पीछे वाला खड़ा हुआ है वो बोरे दे बेचे, और ये जो इसके पीछे वाला खड़ा हुआ है ये वाला जानवर जो है वो बोरे चो, इसका मांग रहे हैं 15 लाख। 15 लाख। दांतों में कितना है? दांतों में दो। और नस्ल में? नस्ल में ये साहिवाल है। और इसके जो पीछे खड़ा हुआ है
वो देसी है, ये देसी है। और इसके क्या मांग रहे हैं? इसका मांग रहे हैं भाई जान 16 लाख। 16 लाख रुपए वजन के अंदर? वजन इसका भाई जान होएगा कम से कम 14 मन होएगा। 14 मन होगा। और ये वाला जानवर जो खड़ा हुआ है ये तो छोटा है, ये भी देसी है। दांतों में? दांतों में दो। दांतों में दो। और कीमत? 16 लाख मांग रहे हैं। 16 लाख। और इस तरफ वाले माल के बता दें। इसका इसका 18 लाख मांग रहे हैं। इसका 18 लाख। और ये वाले का? इसका भी 18 लाख। 18 लाख। और ये जो खड़े हुए ये दो जोड़ी है? हाँ ये जोड़ी है। ये जोड़ी का कितने मांग रहे हैं? ये जोड़ी का मांग रहे हैं भाई ला, ये भी 18-18 मांग रहे हैं। 18-18 मांग रहे हैं। दांतों में सारे दो दो हैं ये? हाँ दांतों में दो। ये चारों दांतों में दो दो हैं? हाँ जी। और उस तरफ जाओ कमाल खड़ा हुआ है, उधर आ जा। और इस वाले का बताएंगे? हाँ जी। ये दांतों में कितने है? ये दांतों में 4। दांतों में 4। और नस्ल? नस्ल देसी है यार। ये भी देसी है। और इसकी कीमत? इसकी कीमत मांग रहे हैं भाई जान 16 लाख। 16 लाख। और ये वाला जानवर जो खड़ा हुआ? हाँ इसकी मांग रहे हैं 13 लाख। 13 लाख रुपए। दांतों में? दांतों में 2। दांतों में 2। और नस्ल? नस्ल भी देसी। नस्ल भी देसी है। और इसके जो बराबर में खड़ा हुआ उसका भी 13 लाख मांग रहे हैं। 13 लाख। नस्ल के अंदर कौन सा है? ये भी देसी। ये भी देसी। और वजन के अंदर? वजन इसका कम से कम होएगा 12-13 मन। 12-13 मन। और वो जो आखिरी वाला जानवर खड़ा हुआ है आपका, वो भी देसी है? वो भी देसी है। और उसकी कीमत भी? उसकी कीमत 16 लाख। उसकी कीमत भी 16 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा अंकल आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? फ़ोन नंबर? हाँ फ़ोन नंबर है। तो अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दें आप। 0326-41-41-163। आके आपका नाम? मेरे नाम अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक भाई, अब्दुल रजाक भाई हैं। ये सारा इनका माल खड़ा हुआ है मवेशी मंडी 2023 के अंदर। ये इनके रेट से ये बोल रहे हैं, डिमांड तो ये खैर ये ज़्यादा कर रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन जब आओगे तो बात बन जाएगी। और अभी जानवर उतरे, इनके जानवर थके हुए भी हैं। तो अंकल इसमें गुंजाइश तकरीबन कितनी कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा एक अंदाज़ा बता सकते हैं? आएगा फिर बात कर लेंगे, जो लेने आएगा उससे बात कर लेंगे। चले ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया। इस टाइम जो है अभी व्यापारी हद से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं जानवरों के। अभी मैंने एक वीडियो कवर करी एक व्यापारी से रेट लिया, अभी आगे भी चलते हैं और भी व्यापारी से देखते हैं, जो रेट्स बताएगा उसके रेट्स भी लेंगे, वरना जानवर दिखाते हैं आपको। खैर अभी रेट्स तो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अभी जिस जानवर के इन्होंने मुझे कैमरे के अंदर बताया है उसके अंदर ये बोल रहे हैं अच्छी खासी इसमें गुंजाइश कर देंगे। और अभी मैंने भी देखा कि कैमरे के अंदर कुछ रेट्स बताया, और ऑफ दी कैमरा जब मैंने रेट्स पता किए थे तकरीबन जिस जानवर के इन्होंने मुझे कैमरे में 16 लाख रुपये बताए थे उसके इन्होंने तकरीबन मुझे ऑफ दी कैमरा 8 लाख रुपये बताया है। इस हिसाब से अभी उसके अंदर भी ये बार्गेनिंग अच्छी खासी करेंगे। तो रेट्स मांगने को तो मांग रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी बार्गेनिंग रेशो भी रख रहे हैं। तो भाई यहाँ पर एक और भाई मिले हैं, अभी अपने जानवरों को चारा वगैरह खिला रहे हैं यहाँ पे, ये शाम के टाइम में चारा वगैरह डाल रहे हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं रेट्स वगैरह भी, ये जानवरों को चारा वगैरह डाल दे, फिर इनसे रेट्स वगैरह लेते हैं जानवरों के बारे में, इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी भाई। वालेकुम सलाम। भाई जान आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद बाबर। भाई जान कहाँ से आए हैं आप? जिला शेखपुरा। जिला शेखपुरा से। कब आए कराची माल लेकर? आज तीसरा दिन हुआ है। अच्छा तो ज़रा थोड़े से जानवरों के रेट वगैरह बता सकते हैं अपने? सबसे पहले ये बता दें, ये जो ब्राउन एंड वाइट खड़ा हुआ है इसके कितने मांग रहे हैं? 3.5। और वज़न? वज़न 3.5। 3.5 मन। और इसके देने वाले फाइनल प्राइस कितने हो जाएंगे? फाइनल पैसे जब वो लोग देंगे वो लेस करेंगे, तो उस हिसाब से हो जाएंगे रेट कम। और जो उसके बराबर में खड़ा हुआ है ब्लैक एंड वाइट? उसका 4.5। उसका 4.5। और दांतों के अंदर? दोनों जानवर दो दो हैं। और ये जो खड़ा हुआ है ब्राउन एंड वाइट ये कितने का? इसका भी ये तो छोटा है यार। दांतों के अंदर ये भी दो है दो। और ये वाला जानवर जो खड़ा हुआ है ब्राउन कलर का? 5.5। और ये वाला? ये दांतों में दो है। और इसके क्या मांग रहे हो काले वाले का? 6.5। तो भाई ये हैं इनके जानवर और ये है इनके प्राइस रेंज। भरपूर अभी हाई चल रही है मंडी, लेकिन खैर बोल रहे हैं बात करने आएंगे जब ख़रीदार आएंगे तब हमारे रेट खुद ही नीचे आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ मांग ही रहे हैं। और ये भाई गेंदा जानवर फुल मस्ती के अंदर आ गया अपनी, ये कोटू मस्तियाँ कर रहा है अपनी इस टाइप पे फुल। मैंने एक टकरा मार लिया नहीं,
ये अपनी मस्ती के अंदर आ गया फुल। उस्ताद मस्ती कर रहा है। और अब इसकी बारी। और भाई ये सारे जानवर लड़ाइयाँ कर रहे हैं आपस में। इसने इतनी मस्ती नहीं कराई, ये सीधे साधा आ गया। ये भाई आज सारे जानवर लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं इतनी? ये दोनों भी लड़ रहे हैं। और ये भाई माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी सही बड़ा माल आया मंडी के अंदर। यहाँ पर एक और व्यापारी भाई से मिले हैं, अब ये इनके जानवर खड़े हैं सारे और इनसे रेट्स वगैरह पूछते हैं और जानवर वगैरह के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? साइन बख्श। भाईजान आप कहाँ से आए? हम कनकोट से। कनकोट से कब लेकर आया माल अपना? आज। आज लेकर आया, तो माल आपका कौन सा है? ये जो सारा सामने खड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा अपने जानवरों के वगैरह बारे में बताएंगे। आए चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। ये नहीं, उस तरफ है। उस तरफ है, आ जाए। सबसे पहले इस जानवर के बारे में बताइए, कितने दांत जानवर है ये? ये दो दांत जानवर है। और नस्ल के अंदर? साहिवाल नस्ल है। और कीमत कितनी मांग रहे हो इसकी? 9.5 लाख। 9.5 लाख। वजन का अंदाजा बता सकते हो? तकरीबन 12 मन होगा। और ये वाला जानवर जो खड़ा हुआ है? इसका 11 मन। इसके मांग कितने रहे हो? इसका 10 लाख रुपए। और दांतों में कितना है? 2 है। दांतों में 2। और नस्ल? ये नस्ल देखो अभी के 44 44 है। अच्छा, और जो इसके बराबर में खड़ा हुआ है ये वाला जानवर? ये जी ये बड़ा जानवर है। 13.5 लाख रुपए। वजन कितना है इसका? 14 मन वजन होगा। 14 मन। दांतों के अंदर? अभी 4 हो गया। दांतों में अभी 4 हो गया। और वो जो जानवर खड़ा हुआ है वो बड़ा है, तो उसके कितने मांग रहे हो? 14.5 लाख। उसका वजन कितना होगा? उसका 16 मन वजन है। और दांतों में? 2। दांतों में 2। अच्छा बाबा, ये जो आप मांग रहे हो इनके पैसे, इसमें इनके फाइनल कितने तक दे दोगे? ये बात बनने से बात हो जाएगी। अभी जो खरीदार आएंगे और जो रेट लगाएगा उस हिसाब से रेट बन जाएंगे। रेट बन जाएगी, नीचे ऊपर हो जाता है। नीचे ऊपर हो जाएगा। अभी ऐसे अंदाजन इसमें कितने लाख रुपए की कमो पेश हो जाएगी? वो उस टाइम जो गाहक से हो जाए ना, वो गाहक से होगी। और इसके अलावा आपका कौन सा माल है? उस तरफ है। आओ थोड़ा सा वो वाला माल भी दिखा दो। हाँ तो भाई, ये थी आज की हमारी मंडी की अपडेट। में मंडी आया, जानवरों के रेट्स वगैरह लिया, जो नया माल अनलोड हुआ उसका बताया, उसका दिखाया। और व्यापारी आज भी जा रहे हैं, अभी व्यापारी जो आए हैं नए नए, जो जैसे जो पुराने होते जा रहे हैं उनसे रेट्स वगैरह लेते हैं, जो नए व्यापारी आए हैं वो अभी अपना माल सेट कर रहे हैं। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं एंड। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।